बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ा सड़क हादसा बाराबंकी के अंदर डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 24 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत नाजुक है और इसीलिए कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। खराब खड़ी डबल डेकर बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। देर रात लगभग 12 बजे लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ एसपी यमुना प्रसाद भी पहुंचे। पंजाब से बिहार की तरफ जा रही इस बस में कुल मिलाकर 140 मजदूर सवार थे। घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज समेत कई अन्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डबल डेकर बस में 140 लोग सवार थे जो कि पेशे से मजदूर बताए जा रहे हैं। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ। सीधा आपको बाराबंकी ले चलते हैं। हमारे संवाददाता सतीश कश्यप इस वक्त एक अस्पताल के बाहर से सीधा कनेक्ट हैं, जिस अस्पताल में गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज चल रहा है। सतीश, आप अभी सबसे पहले उस अस्पताल में जो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनका हाल हमारे दर्शकों को बताइए। कितने मरीज वहां पर भर्ती हैं, कितने जख्मी हैं वो, किस किस्म के जख्म हैं उनको और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है राजेंद्र, ये बेहद जो है दर्दनाक है और जिसने भी इस घटना को सुना उसके जो है रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक ही परिवार के कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो मरने वाले में से जो है कुल 18 लोग मरे हैं और लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों की हालत जो है नाजुक बनी है। हम इस वक्त बाराबंकी के ट्रामा सेंटर में हैं, जो जिला हॉस्पिटल में है मुख्यालय पर। यहाँ पर जो है जो भी घायल लोग थे उनको यहाँ लाया गया और इसके बाद जो है इनकी स्थिति जो दयनीय थी उसके बाद जो है यहाँ से उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। शायद दो लोग जो है अभी 2 लोग यहाँ पर भर्ती कराए गए। हमारे साथ जो है यहाँ पर एक जो है उसी घटना के शिकार हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। ये बताइए कि कैसे क्या हुआ था? सर देखिए, वो हरियाणा से गाड़ी चल के आई, हरियाणा चल के आए तो आते आते अचानक रास्ते पे खराब हो गया। उस्ताद ने जो स्टाफ जो था ड्राइवर उन गया मकैनिक आने के लिए गया, और स्टाफ ने मकैनिक आने के लिए तब तक गया वो पता नहीं कितना देर, 1.5 घंटा वो लग गया उधर मकैनिक आने में। उसके बाद वो पीछे से ट्रक आया, वो उस पीछे धक्का मार दिया, उसके नीचे थले आदमी को सोया था रात के मौसम में, उसके सिर पर देखो बहुत आदमी घायल भी हो गया, 17-18 आदमी, 20 आदमी के बीच में एक्सपोर्ट मर्डर भी है और थोड़ा बहुत घायल भी है। ये बताइए कि सब लोग क्या एक ही जगह काम कर रहे थे क्या? नहीं, अलग अलग क्षेत्र था, मगर बॉस जैसे कि कोई पंजाब में काम कर रहा था, कोई हरियाणा में काम कर रहा था, कोई किसी और जगह काम कर रहा था, कोई लुधियाना से, एक जगह एक्सपोर्ट जो मिल जाता है ना जी, इतना बंदा के हम ले के जाएंगे तो उसी सिस्टम से बॉस से आ जाता है एक जगह इकट्ठा, एक जगह बॉस खड़ी रहता है, उसी तरह से जैसे वहाँ से बंदा बैठा के फिर रवाना करता है। तो देखिए राजेंद्र जी, ये जो है घटना बेहद दर्दनाक है और ये बिहार के अलग अलग जनपद से जो मजदूर थे ये लोग जो है यहाँ हरियाणा पंजाब जो है मजदूरी करने के लिए गए थे, धान रुपाई करने के लिए गए थे, क्योंकि घटना स्थल पे कुछ मजदूर जो है मिले जिससे एबीपी गंगा की टीम ने उनसे बात किया, हमारी बातचीत हुई। उनका साफ कहना था कि मजदूरी के सिलसिले से वो लोग जो है बाहर गए थे, 1 महीने का काम था धान रुपाई का और वो जो है कुछ पैसे कमाकर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन क्या पता था कि इतना बड़ा जो हादसा होगा जो शायद जिंदगी भर उनके परिवार को कभी भूल नहीं पाएंगे। कुल मिला के बात किया जाए तो अभी घायलों की जो स्थिति है वो भी दयनीय है, क्योंकि बाराबंकी से कुछ लोगों को रेफर किया गया है और बाराबंकी के अलावा कुछ और भी हॉस्पिटल हैं जिनको जो है भर्ती कराया गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए जो है यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें रेफर किया है। 2 लोग यहाँ भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि 18 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और 24 लोग घायल हैं जिनमें से कुछ की हालत नाजुक भी बनी है। क्या मरने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी और जो 140 मजदूर उसमें सवार थे उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी मिल पाई है? देखिए आस्था, ये घटना क्योंकि रात की थी और जो है लगातार बारिश भी हो रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन जो इतना टफ था कि पुलिस के लिए भी जो है कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें खड़ा कर रहा था।
लगातार जो है बारिश हो रही थी। अब ऐसे में जो नेशनल हाईवे है बाराबंकी, लखनऊ का नेशनल हाईवे है बाराबंकी का, राम सनेही घाट पड़ता है उसी का, बाराबंकी और अयोध्या जो बॉर्डर है वहां पर घटना हुई है। तो साफ तौर पे जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो रेस्क्यू चल रहा था उसमें दिक्कत आ रही थी। पुलिस को जो है रूट डायवर्जन भी किया करना पड़ा। रात में लगभग जो है 2 घंटे जाम भी जो है वहां लगा रहा, तो ऐसी स्थिति में रात में पहचान भी कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिलहाल जो है दो तीन महिलाएं भी हैं जिसमें जो है मरने वाली हैं, बच्चों की संख्या तो नहीं है क्योंकि सभी मजदूर हैं और ये कमाने के सिलसिले से जो है बाहर गए हुए थे। लेकिन जो चश्मदीद हैं उनकी अगर माने तो जो घटना था वो बेहद जो है दर्दनाक था। सभी लोग सोए हुए थे, कुछ लोग जो है बस के अंदर थे, कुछ लोग जो है बस के ऊपर थे और कुछ लोग जो है बस के नीचे लेटे हुए थे। और घटना ऐसी थी कि जो ट्रक था, ट्रक फैजाब अयोध्या की तरफ जा रहा था और जो है उसके बाद जब टक्कर हुई तो लमसम जो है एक से दो मीटर तक जो है बस को जो है टक्कर मार दी, वो घसते उसी में सारे मजदूर दबे, जिससे 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 7 लोग जब यहां हॉस्पिटल लाए गए इलाज के दौरान उन लोगों ने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बाराबंकी के लिए एक बेहद जो है दुखद खबर है और ये शायद जो है प्रदेश और देश के लिए बेहद दुखद खबर है कि ऐसी घटना हुई है। इससे पहले भी अभी घटना हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो लगातार सड़क हादसे जो है वो नहीं रुक रहे हैं, लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्था की बात सतीश, की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सतीश, सतीश तरह सतीश एक स्पेसिफिक जानकारी दीजिए, कितने लोग कुल जख्मी हैं और कितने लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया? देखिए 2 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो घायल हैं, लेकिन उसमें से कम 6 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई थी और जो है उनको इसीलिए रेफर भी किया गया है क्योंकि पुलिस ने भी कुछ आंकड़ा नहीं दिया है। मृतकों की संख्या जो है जो अपडेट अब तक हुआ है कि 18 लोग मरने वाले हैं और लगभग जो है 1.5 दर्जन जो है जो घायल थे उनको जो है पुलिस ने अभी अपने आंकड़े में शामिल किया है। लेकिन जो हमारा आंकड़ा है, जो मेरी बातचीत हुई है, उसमें 2 दर्जन के करीब जो है ये घायल लोग हैं और जो है अभी फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल भी कर रही थी और जो है जो जिन लोगों जो मृतक के परिजन हैं उनकी तलाश कर रही है और लगातार जो है पुलिस जो है अभी उनके जो शव हैं, क्योंकि 18 शव हैं, उनका भी पोस्टमार्टम करवाना एक बड़ी चुनौती है। मेडिकल की पूरी टीम जाएगी और जो है पूरी तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बाराबंकी के लिए आज बेहद जो है दुखद घटना है और हर तरफ जो है कहीं ना कहीं इस घटना की जो है चर्चा भी है। आखिर ये घटना कैसे हुई, जो इतने परिवार जो है बेघर हो गए हैं, जो मुखिया थे कमाने वाले वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के घटना, जो भी जो है इस घटना को सुन रहा है तो उसके जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और जो है बेहद जो है घटना दुखद है। जी हाँ, वाकई दुखद और दर्दनाक घटना है। एक साथ 18 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग घायल हैं और कहा जा रहा है कि उनमें से भी बहुतों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या सतीश, की जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसमें ड्राइवर होगा, खलासी होगा और बस का भी कोई ना कोई ड्राइवर या उसमें मौजूद उसका कोई कंडक्टर मौजूद होगा, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो भी घायल हुए हैं या फिर उनसे भी जुड़ी कोई दर्दनाक खबर है या वो सही सलामत है और उनसे पूछताछ कर रही पुलिस? देखिए घटना जो है लगभग 12:15 बजे की बताई जा रही, 12 बजे के लगभग बताई जा रही। तो जब घटना हुई है उसके बाद जो है सामने ही एक होटल था और जो घटना का जो चश्मदीद है उनसे मेरी बातचीत हुई तो साफ कहना था कि वहां पर जो है बस के नीचे जो लाशें थी उन्हें देखकर उनके जो है रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो प्राथमिकता तौर पे उन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि जो लोग जो है घायल हैं उनको निकाला जाए। लाशें ऐसी थी सड़क पे पड़ी हुई थी, जिसने भी देखा उसके जो है कहीं ना कहीं कलेजे जो है कलेजे कांप गए। तो कहना मुश्किल होगा कि क्योंकि जो स्थिति है बस और ट्रक के बीच जो टक्कर हुई है तो ट्रक का भी जो है स्थिति बेहद जो है खराब है, क्षतिग्रस्त ऐसा हुआ है। तो ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है क्योंकि रात की घटना है, पास में नदी भी थी। तो पुलिस ने भी रात में कॉम्बिंग भी किया है, सर्च ऑपरेशन भी किया, कहीं ऐसा
तो नहीं है कि घटना के बाद कुछ लोग जो है नदी में गिर गए हों, तो लगातार पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन भी करती रही है। और इस विषय में कहना अभी जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस जो है जो भी मृतक थे उन लोगों की जो है अभी तो फिलहाल जो जो कार्रवाई है वो कर रही है, लेकिन अब जो है क्या स्थिति है, क्योंकि ट्रक में जो स्थिति बताई जा रही है, जो हमारी तस्वीरों में आप गंगा पे देखिए कि जो तस्वीरें दिख रही हैं, ट्रक में आप साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भीषण जो है टक्कर हुई, जिससे ट्रक और बस के जो है परकच्चे उड़ गए, और जो है जो भी रहे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जो बस और ट्रक की स्थिति ऐसी हुई है, तो उसमें से जो बिल्कुल सतीश होंगे उनकी क्या स्थिति रही। बिल्कुल सतीश, आप जब ये हादसा हुआ उसके फौरन बाद आप जब मौके पर पहुंचे और आपने जो रिपोर्ट भेजी उस वक्त की, मौका है वारदात की जहां पर यह हादसा हुआ, वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। आधी रात को इस हादसे के फौरन बाद की रिपोर्ट आ गई। हम इस वक्त उसी स्थान पे हैं जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जो बिहार के लिए बस जा रही थी वो दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि जिसने भी घटना को देखा उसका दिल दहल गया। ये लखनऊ फैजाबाद नेशनल हाईवे है जहां पर ये बस जो है एक्सल खराब होने की वजह से खड़ी हुई थी, और इसी की वजह से जो है सवारी जो थी इसमें वो सवारियां बस के नीचे लेटी हुई थी, और जो है उस वक्त सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे जब ये घटना हुई। चश्मदीदों के अनुसार बताया जा रहा है कि पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे जो है बस में जो भी लोग लेटे हुए थे, जो लोग नीचे लेटे हुए थे वो मौत के मुंह में समा गए। हमारे साथ यहाँ पर जो है जो बिहार के लिए जा रहे थे वो मौजूद हैं, ये सुरक्षित हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्या इसमें इनके परिवार वाले कैसे जो है हादसे के शिकार हुए हैं। जी बताइए कि कैसे यहाँ पर घटना हुई थी। वो ट्रक ने पीछे से मार दिया सर, वो घसीटते हुए आदमी सुआ था उस पर मैं चल दिया, उसको घसीटते हुए चल दिया उस पर और हॉस्पिटल ले गया उठाकर, और कहाँ ले गया से तो हमने को नहीं पता है सर। तो आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम कैथल से हम मुजफ्फरपुर जा रहे थे सर। इसमें कितने लोग बैठे हुए थे? इसमें बैठे थे 150 आदमी सर। ये घटना कितने बजे हुई? 12 बजे का करीब में। ये सब साथ में ही एक साथ चले थे? हाँ सब एक ही साथ में चले थे। आप कहाँ पर थे उस समय घटना के? घटना के बाद हम आगे सोए थे तो पीछे रह गया, दूर डेंग हमारे पीछे ही इतना घटा हुआ, जब तक हमको नींद टूट गया हमको भी लगा, सब भी लगा। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि वहाँ पर क्या करते थे सब साथ में, एक साथ में इतने लोग कैसे? सुआ था सर। अच्छा। सब सुआ था, नींद का मारे जो रात का सब सुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम विश्वास जी। तो ये राम विश्वास हैं जो हादसे के शिकार के वक्त जो है गाड़ी के आगे लेटे हुए थे, और जो है ये मौत के मुँह से बच के निकल आए हैं। लेकिन जो अभी घटना हुई है उस घटना ने सबको जो है झकझोर के रख दिया है। फिलहाल घायलों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस लगातार घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाकर उनका इलाज करवा रही है। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। तो आधी रात को ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, एक डबल डेकर बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, 18 लोगों की जान चली गई। सीधे आपको लिए चलते हैं सतीश, हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सतीश बताइएगा इस वक्त जो घायल हैं उसमें गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या कितनी है, और इलाज के लिए किनको कहां एडमिट कराया गया है? जी आस्था, जो घायल थे उनको बाराबंकी ट्रामा सेंटर लाया गया था, और कुछ लोगों को जो है घटना स्थल से ही लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रामसनी घाट का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी कुछ लोगों को भर्ती करवाया गया था, अभी भी कुछ लोग वहाँ भर्ती हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो 6 लोग ऐसे हैं जिनकी जो है हालत चिंताजनक बनी हुई है, और जो है 2 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें चोटें आई हैं, और उनको जो है अलग अलग हॉस्पिटल बाराबंकी और मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और पुलिस अधीक्षक जो यमुना प्रसाद जी हैं SP बाराबंकी के, उनका लगातार जो है वो लोग घायलों का हालचाल भी ले रहे हैं, पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। जिलाधिकारी से मेरी बात हुई है बाराबंकी के,
उनका भी जो है साफ कहना है कि जो मृतक हैं, जो घायल हैं, इसमें हर संभव मदद की जाएगी और सरकार से जल्द ही शायद इस पर कुछ आर्थिक जो जो है मुआवजे का ऐलान है वो भी जल्द जो है घोषणा भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं घटना तो बेहद दर्दनाक है ही, लेकिन जो मजदूर हैं जो दो वक्त रोटी के लिए बाहर अपने घर से छोड़ के दूसरे राज्य गए थे कमाने के लिए, उनके परिवार के मुखिया नहीं रहे हैं, आखिर उनके पीछे जो परिवार है उनको कैसे जो है उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके बच्चों को कौन पालेगा, तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो अब सरकार कहीं ना कहीं इस पे कुछ ठोस कदम जब उठाएगी तभी कुछ उनका भला हो सकता है। घटना बेहद दर्दनाक है और जो है इस घटना पे हम सभी यही चाहते हैं कि जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो है उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले, क्योंकि जो है हम लोगों ने जो बहुत भयावह, बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद हो गए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो सूचना उनको मिली होगी तो क्या बीत रही होगी उनकी। बिल्कुल ठीक आपने सतीश, जिन लोगों पर गुजरी है, जिनके परिवार के लोगों ने ये दर्द झेला है, अपने लोगों को गंवाया है, उनकी तकलीफ बयान के बाहर है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इस लाइव रिपोर्ट के लिए।